राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में भी गांजे की तस्करी करता था, जिसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, तस्कर इससे पहले भी गांजे की स्मगलिंग के मामले में जेल जा चुके हैं। थाना देवी बांधा में प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से गांजा जो है स्विफ्ट कार में राकेश नागपुरे के द्वारा लेके आया जा रहा है। राकेश नागपुरे पूर्व भी गांजे की तस्करी में लिप्त रहा है और जेल जा चुका है। इस संबंध में पुलिस जो है वो सूचना की तस्दीक करके उस पर लगी हुई थी और उसके बाद स्विफ्ट कार जो है वो दस्तयाब हुई और उसमें 42 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख के आसपास है, उसको बरामद किया गया है।